नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। ये कहानी इंसानी फितूर को भी दिखाती है और मोहब्बत में इंसान क्या क्या कर गुजरता है उसको भी दिखाती है। अक्सर ये जो कहानियाँ होती हैं इसमें मार काट तमाम तरह का क्राइम होता है, लेकिन आज जो मैं ये कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बेहद रोचक है ये स्टोरी। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे इस कहानी में आपको मज़ा आने लगेगा, रोचकता आपकी बढ़ती जाएगी। कहानी एक पति पत्नी की है और उनकी दूसरी शादी की सालगिरह का दिन है, यानी उनके लिए दोनों के लिए बेहद खास दिन। इसके लिए उन्होंने जगह भी बहुत खास चुनी, समुद्र का किनारा, विशाखापट्टनम का आर के बीच। यहाँ पर समुद्र तट पे अपनी सालगिरह मनाने आते हैं कि इस कपल के साथ बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हो जाता है। अचानक समुद्र तट से घूमते हुए पत्नी लापता हो जाती है और पति जब फोन करता है तो उसका फोन भी बंद मिलता है। अब पति डर जाता है कि न जाने कौन सी लहर उसकी पत्नी को अपने साथ भाग के ले गई है। तलाश शुरू होती है, सूचना मिल दी जाती है नेवी को, पुलिस को, आनन फानन में हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है, मरीन पुलिस लेकर के गोताखोर और मछुआरे सब जुट जाते हैं। लगभग 72 घंटे का ये ऑपरेशन चलता है, लेकिन हाथ खाली और जेब से 1 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। फिर अचानक से ये पता चलता है कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जिस पर ढूंढने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो गया है, वो पत्नी सेफ है। लेकिन जिस तरीके से वो गायब हुई उसकी वजह जान करके उसका पति और उसका पूरा परिवार, पूरा सरकारी प्रशासन हैरान है। असल में ये मामला मोहब्बत का है और मोहब्बत किसी से कुछ भी करवा सकती है। जिस लापता महिला को समुद्र की गहराइयों में तलाशा जा रहा था वो असल में अपने प्रेमी के साथ चुपके से वहाँ से निकल जाती है, समुद्र की लहरों के बीच में से, वो भी शादी की दूसरी सालगिरह पे। चुपचाप मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड को भी उसने निकाल के फेंक दिया ताकि कोई उसकी लोकेशन ना ले सके। ये मामला 25 जुलाई का है, यानी कि आज से लगभग 1 सप्ताह पूर्व, उस तारीख को ठीक 2 साल पहले 2020 में अपना राजू यानी कि श्रीनिवास ने साई प्रिया के साथ शादी की थी। श्रीनिवास हैदराबाद की एक फार्मेसी कंपनी में काम करता है, वहीं साई प्रिया यानी कि पत्नी होम मेकर है। दोनों हैदराबाद में रह करके अच्छे दिन गुजार रहे थे। शादी की दूसरी सालगिरह इसी तरीके से आ जाती है 1 साल के बाद, और ये खुशी सेलिब्रेट करने के लिए 25 जुलाई को दोनों पहले मंदिर जाते हैं, इसके बाद वो समुद्र तट पे घूमने गए। दोनों ने विशाखापट्टनम के आर के बीच पर काफ़ी फोटोग्राफ्स लिए। अंधेरा हो गया तो पति को एक फ़ोन आता है, वो अपने फ़ोन के साथ व्यस्त हो जाता है और इसी बीच पत्नी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। और जब उसका पति का फ़ोन कॉल ख़त्म होता है तो देखता है कि पत्नी तो है ही नहीं। इसके बाद उसने फ़ोन किया, फ़ोन भी बंद मिला, काफ़ी तलाश की, कुछ पता नहीं चला। फिर भी उसे लगा कि कहीं समुद्र में डूबकर तो नहीं उसके साथ कोई मिसहैप हो गया। तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आ गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस ने आसपास के इलाके में साई प्रिया की फ़ोटो लेकर के तलाश शुरू की, कोई जानकारी नहीं मिली। इधर नेवी, हेलीकॉप्टर, मछुआरे, गोताखोर सब लग गए ऑपरेशन में। 72 घंटे तक ऑपरेशन चला, तब जाके ये पता चला कि साई प्रिया तो अपने प्रेमी के साथ आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु में पहुंच चुकी है। इस तरीके से जिसे साई प्रिया, जिसको मरा हुआ समझ करके उसकी लाश की तलाश की जा रही थी और उस तलाश में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गया, और फिर जाके पता चलता है कि वो सुरक्षित है, जिंदा है,
अपने प्रेमी के साथ है। असल में साई प्रिया ने अपने प्रेमी को पहले ही समुद्र तट पर अंधेरा होने के बाद पहुंचने की जानकारी दे दी थी कि वो जैसे ही हल्का हल्का सा अंधेरा होगा वो वहां पहुंच जाए, इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उसके साथ फरार हो जाएगी। इसके तुरंत बाद फोन से सिम कार्ड निकाल दिया और सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने डिलीट कर दिए और ट्रेन में बैठ करके वो अपने प्रेमी के साथ नेल्लोर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद प्रेमी के फोन से अपने माता पिता को मैसेज किया, ये एक ऑडियो मैसेज था कि वो सुरक्षित है, अपने प्रेमी रवि के साथ नेल्लोर में है। करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद माता पिता को भी ये बताया कि उसने रवि से शादी कर ली है, उसे खोजने की वो कोशिश ना करें, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपनी जान दे देगी, अगर कोई भी उसको ढूंढने के लिए निकला तो ये अच्छा नहीं होगा। इस बारे में परिवार के लोगों ने श्रीनिवास को भी जानकारी दी, तब जाकर के सर्च ऑपरेशन रोका गया और पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि साई प्रिया और उसका प्रेमी रवि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, साथ में ही पढ़ते थे, जब वो बड़े हुए तो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन माता पिता ने अपनी पसंद से दूसरी जगह यानी कि श्रीनिवास से उसकी शादी कर दी। इसलिए अब वो मौके का इंतजार कर रही थी कि शादी की दूसरी सालगिरह पर वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी। इस केस में सब कुछ साफ हो चुका है। असल में प्रिया ने खुद मैसेज दे करके अपने घर वालों को अपनी सलामती सही सलामत होने की जानकारी दी है और उसके बाद जो मैसेज में लिखा है वो बहुत चौंकाने वाला था। दरअसल प्रिया विशाखापट्टनम से सैकड़ों मील दूर बेंगलुरु पहुंच गई थी और वो भी किसी और के साथ, अपने पूरे पुराने प्रेमी के साथ, रवि के साथ, और घर वालों को उसका वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें उसने साफ साफ कह दिया कि वो सुरक्षित है, सेफ है और उसको ढूंढने की कोशिश ना की जाए। लेकिन पुलिस इस वॉइस मैसेज की फॉरेंसिक जांच करवाना चाह रही है ये पता लगाने के लिए कि ये वॉइस मैसेज में जो आवाज़ है ये साई प्रिया की ही है, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इंसान का जो दिमागी फितूर होता है वो उसे बहुत कुछ करवा लेता है। ये फितूर ही तो है अपनी दूसरी शादी की सालगिरह मनाने के लिए समुद्र तट पे घूम रही है, फोटोग्राफी कर रही है, खुश है, मंदिर भी गई है और अचानक मौका देखते ही अपने प्रेमी के साथ वो भाग जाती है और उसने वहाँ जाके शादी भी कर ली जैसा कि उसके वॉइस मैसेज में कहा गया है। तो दोस्तों, ऐसी पत्नी के लिए आपके पास कोई शब्द हो तो ज़रूर कहिएगा। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये कि वो बचपन से अपने उसी प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन माता पिता नहीं माने और उन्होंने शादी कर दी श्रीनिवास के साथ। अब एक साल श्रीनिवास के साथ भी रही है, श्रीनिवास बहुत खुश था अपनी पत्नी को खुश देख करके, लेकिन उस दिन उसका सारा भ्रम टूट जाता है क्योंकि जब उसके माता पिता ने 72 घंटे के बाद ये बताया कि वो सेफ है और उसने शादी कर ली है तो वो ठगा का ठगा रह गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए करीब करीब 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आप देखिए, एक तरफ प्रेम की इंतहा है, उसने उसको खोजा और अचानक से उसका वॉइस मैसेज आता है कि वो सेफ है और उसने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है। दोस्तों, क्या कहते हैं आप, समाज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।